उत्तर प्रदेश की आरओएआरओ परीक्षा, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा, परीक्षाएं अलग अलग हैं तीनों में, लेकिन एक चीज कॉमन है, पेपर लीक के आरोप। राज्य से निकलकर अब पेपर लीक का मामला राष्ट्रीय हो चला है। खबरें हैं कि सीएसआईआर का एएसओएसओ पेपर लीक हो गया है। दावा किया जा रहा है कि पूरे देश में आयोजित इस परीक्षा में भी धांधली हुई है। पूरा मामला क्या है जानते हैं। सीएसआईआर माने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये साइंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसमें सेक्शन ऑफिसर एसओ और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी की गई। 8 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन निकला। कुल पद थे 444, एसओ के लिए 76, एएसओ के लिए 368। 14 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। 5 से 20 फरवरी तक देश के अलग अलग सेंटर्स पर परीक्षा आयोजित कराई गई, लेकिन इस बीच परीक्षा में पेपर लीक होने की खबर आने लगी। आरोप है देहरादून और राजस्थान के बहरोन में इस परीक्षा के पेपर लीक हुए। सॉल्वर गैंग्स ने ऑनलाइन स्क्रीन शेयर करवाकर नकल कराई। देहरादून में 2 सेंटर्स पर पुलिस ने छापा मारा। छापे में कुछ अभ्यर्थियों के साथ केंद्र संचालकों को हिरासत में लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, पुलिस ने बताया कि गिरोह की ओर से दिल्ली और अन्य राज्यों में आयोजित की जा रही परीक्षा में भी नकल कराने की जानकारी मिली है। द लल्लन टॉप ने पेपर लीक के आरोपों पर छात्रों से बात करने की कोशिश की। एक छात्र ने नाम न बताने की शर्त पर हमसे कहा, जिस दिन हम मेरी परीक्षा थी उस दिन देहरादून से खबर आई कि पेपर में धांधली हुई है। कई सेंटर्स पर अभ्यर्थियों को एनी डेस्क ऐप की मदद से पेपर सॉल्व कराया गया है। हमने सीएसआईआर से इसकी शिकायत की तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। हम मामले की जांच चाहते हैं। एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी दी कि सूत्रों से पता चला था कि परीक्षा में नकल माफिया और परीक्षा केंद्र संचालक मिलीभगत कर राजपुर क्षेत्र स्थित आईटी पार्क और डोईवाला स्थित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को नकल करा रहे हैं। उन्होंने कहा, सर्वर रूम में रिमोट एक्सेस लेकर परीक्षा सिस्टम को हैक कर लिया गया था। सूचना मिलने पर पुलिस की 2 टीमों ने छापा मारा। पुलिस को सर्वर रूम से अलग कमरे में चोरी से जोड़ी गई लीज लाइनें मिली। ये लाइन नकल माफिया ने सेंटर से मिलीभगत कर परीक्षा से पहले ही अभ्यर्थियों को नकल कराने के लिए जोड़ी थी। सीएसआईआर परीक्षा में नकल होने की खबर राजस्थान के बहरोल से भी सामने आई। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों बहरोल में कमरा किराए पर लेकर सीएसआईआर भर्ती परीक्षा का पेपर सॉल्व करवा रहे थे। साथ ही इस गैंग का पेपर लीक में भी हाथ रहा है। आरोप है ये लोग ऑनलाइन होने वाली भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थी के आईडी पासवर्ड लेकर ऑनलाइन स्क्रीन शेयर करते और पेपर सॉल्व करवाते थे। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वो पहले भी कई परीक्षाओं में इस तरह से नकल करवा चुके हैं। एसपी जगराम मीना ने बताया, हमें सूचना मिली थी कि स्क्रीन शेयर कर पेपर सॉल्व कराया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनकी पहचान अमित कुमार और रवि यादव के रूप में हुई है। दोनों दिल्ली में बैठे 2 लोगों को परीक्षा सॉल्व करा रहे थे। एसपी ने बताया कि सॉल्वरों का पूरा गिरोह है। 25 सवाल सॉल्व कराने के 20,000 रुपये लिए जाते हैं। पुलिस सभी की तलाश कर रही है। मामले की जांच जारी है। सीएसआईआर का एएसओएसओ पेपर देने गए अभ्यर्थियों ने यह भी दावा किया कि कई उम्मीदवारों के परीक्षा में इतने ज्यादा नंबर आए हैं जो सवाल खड़े करते हैं। ऐसे कई छात्रों ने एसओ के पद के लिए अप्लाई भी नहीं किया है। यानी छात्र ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई छात्र इतने ज्यादा नंबर लाने की क्षमता रखता है तो उसने एएसओ के लिए क्यों अप्लाई किया। अभ्यर्थियों का ये भी आरोप है कि परीक्षा में धांधली की लंबे समय से तैयारी चल रही थी। सॉल्वर गैंग गठजोड़ कर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों से देहरादून के सेंटर को परीक्षा केंद्र के रूप में भरवाते थे। इसके बाद यहाँ सर्वर रूम से रिमोट एक्सेस लेते हुए परीक्षा के सिस्टम को हैक कर पेपर सॉल्व किया जाता था। वो इसके लिए अभ्यर्थियों से पैसे की डिमांड भी करते थे। आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी प्रशांत। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।